केबीसी ग्लोबल के लिए काफ़ी लोगों ने कहा सर वीडियो बनाओ, फिर मैंने इसके अंदर वीडियो बनानी शुरू करी है। और जब मैंने इसके अंदर वीडियो बनानी शुरू करी है, मुझे भी ये शेयर ऐसा लगा कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ तेज़ी करेगा, लेकिन मैंने कहा था कि अपने प्रॉफिट को आपको समय समय पर देखना चाहिए। मेरी जो बाइंग थी 2.65 रुपये की थी, लेकिन पिछले मंगल के दिन जब इसने अपना लोअर सर्किट खोला केबीसी ग्लोबल ने, और मैंने कहा सर यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर अपने शेयरों को धीरे धीरे निकाल रहा है, तब जाकर ये अपना अपर सर्किट खोल रहा है। तो वहां पर क्या हमें सोचना था कि आगे जाकर कहीं ना कहीं ये लोअर सर्किट लगाएगा, लेकिन इस शेयर ने ऐसा नहीं करा। इसने अगले दिन आपको अपर सर्किट लगाया, उस दिन भी अपर सर्किट लगाया, फिर धीरे धीरे अपर सर्किट लाकर कब्जे में लिया। तो ये शेयर मैं इसको बेकार नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसकी जो काम की क्षमता है वो आने वाले दिनों में निखरेगी, यानी 2027 में, और इस साल 75% ये अपनी परियोजनाओं को पूरा करेंगे। तो अभी तो जनवरी चली है ना सर, और दिसंबर तक ये काम करेंगे, तो दिसंबर में कई बार ये 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, फिर दोबारे लौटकर 3 पे आएगा। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, इन शेयरों में पैनी स्टॉक है, इसलिए कह रहा हूँ अपने प्रॉफिट को बार बार हमें देखना पड़ता है। मैंने देखा और मैंने कहा था कि मैंने बेचा, आपको बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी अनुसार बेच रहा हूँ, मैं किसी को बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैंने इसकी चाल बता दी थी, मैंने कहा ऑपरेटर इसके अंदर ना लग गए, अब किसने वो वीडियो देखी है। देखो जब उसी शेयरों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसी शेयरों के बारे में ये भी बता रहा हूँ कि ये अपना लोअर सर्किट अपना अपर सर्किट कब लगाएगा, मैं ये भी आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ कि जब किसी शेयर ने अपना अपर सर्किट खोला है तो वो अपना कुछ ज़्यादा हिस्सा किसी ने बेचा है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा से बाइंग आकर अपर सर्किट लगता है तो हम जैसे लोग सोचते हैं कि ये फिर 3-4 महीने तक अपर सर्किट नहीं खुलेगा। तो ये मनसा अपने दिमाग से आपको हटानी पड़ेगी। तो अब केबीसी ग्लोबल आपको 3 रुपये 10, 3 रुपये 20 पैसे तक वापस आता हुआ दिखाई भी दे सकता है, हो सकता है कल को अपर सर्किट मार दे, लेकिन इस साल कम से कम बहुत बार ही आपको ऊपर नीचे करके दिखाएगा, लेकिन अपने प्रॉफिट की मंशा आपको देखनी पड़ेगी। मैं इस शेयर को बेकार नहीं बता रहा, इस शेयर को अच्छा नहीं बता रहा, बस एक चाल समझाई थी कि पिछले मंगल को ट्यूसडे के दिन इसने दिन में अपना अपर सर्किट खोल दिया था, तो वहां से अंदेशे हो गए थे। और जब चार्ट में आपको अंदेशे दिख जाते हैं उतार चढ़ाव के, तो वो चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, चार्ट को पढ़ने की हमें एक कला लानी पड़ेगी। तो केबीसी ग्लोबल में जिन जिन ने अपना प्रॉफिट बुक किया, और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा सर यहाँ खरीद लें, काफ़ी कमेंट आए मेरे पास केबीसी ग्लोबल खरीद लें, मैंने सर किसी को भी नहीं कहा खरीदने के लिए केबीसी ग्लोबल, और ना कहूँगा अभी किसी की भी शेयरों के बारे में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो उसको आपको अलग तरीके से एनालाइज करनी है। देखो सर जो मैं बता रहा हूँ फिर उसके बाद आपको अपनी एनालाइज करनी है, तब जाकर शेयर मार्केट समझ में आएगी। तभी तो आपको भी अपने द्वारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो साइकोलॉजी है ना इंसानों को पहचानने की, शेयरों को पहचानने की, इतना डेवलप कर दूंगा आपको कि आप आने वाले दिनों में ज़्यादा शेयरों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि कुछ नादान लोग ना, जो भी शेयर मैं आपको वीडियो बनाता हूँ वो गिरता हुआ नज़र आता, सोचते हैं तो ऐसे ही बता दिया जी, बड़ी तगड़ी एनालाइज लगती है। तो केबीसी ग्लोबल में यहाँ पर ख़रीदारी बिल्कुल भी नहीं बन रही, मैं आपको बता दूँ, कुछ थोड़ा नीचे आने दो फिर इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाई जाएगी।